2016 के बाद का 1600 करोड़ रुपए से बन रहा स्मार्ट सिटी भागलपुर अब तक स्मार्ट नहीं हो पाया है। भागलपुर में कुछ काम हुए हैं, लेकिन एक बड़ा मसला प्रतिमा विसर्जन जुलूस और मुहर्रम के तजिया जुलूस को लेकर है। चाहे विषहरी पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या फिर मुहर्रम का तजिया जुलूस हो, उस दौरान भागलपुर शहरी आबादी के कई इलाकों की बिजली घंटों तक बाधित कर दी जाती है। प्रशासनिक आदेश पर एहतियातन किया जाना मजबूरी होता है ताकि विद्युत आपूर्ति की वजह से कोई अनहोनी ना हो। लेकिन सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अंडरग्राउंड बिजली केबल का संधारण क्यों नहीं हो रहा। भागलपुर की जनता उक्त मसले से जूझती भी है और झेलती भी है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी बनाने वालों से अपेक्षा भी कर रही है कि मूर्ति विसर्जन या अन्य जुलूस के दौरान पावर कट ना हो। क्या कह रही है भागलपुर की आम जनता, उन्हीं से सुनिए। पावर कट दिन से हुआ है, अब रात्रि के कब तक देगा कहना मुश्किल है। ये कब कब झेलते हैं? ये हर भसान में झेलते हैं। जैसे कौन कौन भसान? दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, ये विषहरी पूजा हुआ, जिस जिस पूजा का भसान होगा लाइन से। कितना देर तक कटता है मोटा मोटी? मोटा मोटी 12 से 14 घंटा सियोर कट लेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 18 घंटा भी कट जाता है। उस समय क्या दिक्कत होता है? दिक्कत तो लाइन नहीं रहा तो समूचा सिस्टम ठप हो गया, फ्रिज त्रिज सब बंद हो गया। देखिए, स्मार्ट सिटी हो चुका है शहर, 3000 कैमरा लग गया है, तकरीबन सब चीज़ स्मार्ट हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जो वायरिंग से पुल जो तार है बिजली का, वो भी अंडरग्राउंड हो जाए। इससे क्या होगा, जो भी जुलूस निकलता है, चाहे वो मतलब हमको लगता है शहर में तकरीबन 10 रातें ऐसी होती है साल की जिसमें रात भर लोगों को परेशानी का, अस्पताल है, ICUs है, बाकी जो इमरजेंसीज की चीज़ें हैं, पानी है, तो ये सब ठप हो जाता है लगभग। ये कितने साल से देख रहे हैं? ये मतलब हम लोग तो जब से हम लोग को होश है तब से देख रहे हैं कि कम से कम कुछ ऐसे त्यौहार हैं जैसे मूर्ति का जो विसर्जन होता है, जो जुलूस होता है कुछ समुदाय का, तो इन सब में पावर कट है यहाँ पे रात में, चूँकि उससे कोई घटना ना घट जाए। लेकिन इस सबसे इतर परेशानी जनता को होती है, जनता को काफ़ी परेशानी होती है। रात भर पानी ऐसा मसला है जो सब लोगों से जुड़ा हुआ है, हर घर में अभी नल नहीं आया है सप्लाई वाटर कि पीने का पानी लोगों को मिल सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सरकार को सोचना चाहिए इस पर। कब कब होता है आपके? जब कोई पूजा समारोह होता है, जैसे विषहरी पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, इस सब में लाइट का देर कटता है, उसका कोई निश्चित नहीं है। वो तो 11 बजे से अगर सुबह में कटा तो फिर 12 बजे आया, 2 बजे रात में आया, उसका कोई निश्चित नहीं है। अब ये कब से देख रहे हैं इस तरह का पावर कट? वो बहुत पुराना है, मतलब उनको लगता है 40-50। आपका शहर स्मार्ट सिटी में आ गया है तो समाधान नहीं, इसका समाधान नहीं हो रहा है। मतलब बात है कि लाइट दिन दिन भर कटा रह जाना, ये बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है। और भागलपुर जिले में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है, 1.5 दर्जन मरीज अस्पताल में भर्ती है, वहीं एक युवक की मौत डेंगू से हो गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 बेड का इंतजाम है, जिसमें से 15 बेडों पर मरीज भर्ती है। मरीजों की संख्या बढ़ने पर बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं सदर अस्पताल में 15 बेड रिजर्व किया गया है, यहां 2 मरीज भर्ती है। वहीं कई मरीजों का इलाज निजी अस्पताल व घरों में हो रहा है। जिले का तिलकामांझी इलाका डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है, यहां से ही करीब 0.5 दर्जन मरीजों की पहचान हुई है। वहीं डेंगू से मरने वाले संतोष कुमार भी तिलकामांझी के हटिया रोड निवासी थे। इन सब के बीच नगर निगम का रवैया सुस्त है। शहर में कहीं कहीं पर फॉगिंग कराई जा रही है, कई फॉगिंग मशीनें खराब पड़ी हुई है। JLNMCH अधीक्षक उदय नारायण सिंह ने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व है, जरूरत पड़ी तो बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं ब्लड और प्लेटलेट्स पर्याप्त मात्रा में है। डेंगू को लेकर डेंगू का अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें 20 बेड अभी तत्काल हम लोग का फंक्शनल है, जरूरत पड़ेगी तो बेड की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। टेस्ट का पूरा इंतजाम है, ब्लड और प्लेटलेट का भी पूरा इंतजाम है। सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजू ने बताया कि सदर अस्पताल में 15 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। सभी बेड पर मच्छरदानी व दवाइयों की सुविधा है, 24 घंटे डॉक्टर मौजूद है।
डेंगू को लेकर के हमारा सदर अस्पताल पूरी तरह तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर बेड की व्यवस्था कर रखी है, जो कि हमारा 15 बेड लगभग तैयार है, और जो हर एक बेड पे हम लोगों ने मच्छरदानी की व्यवस्था कर रखी है, एवं ज़रूरत जितनी ज़रूरत होगी पेशेंट को दवाई की या फिर जो भी फ्लूड चढ़ना है या फिर ORS देना है, वो सारा यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं नगर निगम द्वारा फॉगिंग नहीं कराए जाने से भागलपुर विधायक ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि डेंगू फैला हुआ है, मौत हो रही है, लेकिन नगर आयुक्त सुस्त है। शहर में फॉगिंग नहीं कराई जा रही, मौत होती है तो इसके जिम्मेदार नगर आयुक्त होंगे। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नगर आयुक्त पर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। बिल्कुल यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है। पटना में तो मैंने देखा कि फॉगिंग अगल बगल हो रहा है, मैंने देखा है आंखों से, लेकिन भागलपुर में जो यहाँ नगर निगम है पूरा सिस्टम कोलैप्स है। यहाँ जो नगर आयुक्त है लगता है कोई काम पे उनको ध्यान नहीं है, कोई फॉगिंग नहीं, लोग की मौत हो रही है। अरे ये मच्छर से डेंगू आया, डेंगू से मौतें हो रही है, आखिर आप छिड़काव क्यों नहीं कर रहे जबकि सरकार पैसे दे रही है? इसलिए इस पर तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख रहा हूँ, इस पर जो भी छिड़काव न करे और किसी की भी जान जाए, इसका दोषी नगर आयुक्त और नगर निगम होगा। तो क्या लगता है जिस तरह से हो रहा है इस पर ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि और आपके स्तर से भी कुछ नहीं। मैंने तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ और मैं भी पत्र इनको लिखूंगा ही कि छिड़काव हमेशा होना चाहिए, और जो भी डेंगू से मौत होगी इसका जिम्मेदार तो होगा नगर निगम और नगर आयुक्त, जिनका काम है ये। मशीनें खराब पड़ी रहती है, हर साल यही देखा जाता है, अभी भी वो मशीन खराब है, उनको ठीक कराना है, नया खरीदना, वो कोई इशू नहीं। इशू है कि आपका छिड़काव होना चाहिए, जनता के हित में काम होना चाहिए। अगर नहीं होगा, उनको बचाने के लिए, डेंगू से बचाने के लिए कोई काम नहीं होगा, तो उस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कर ही रहा हूँ कि उस पर से कड़ी कार्रवाई होगी अगर नहीं करेंगे काम तो। आपकी रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए लुक सलोन भागलपुर है तैयार। इस रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें लुक सलोन के साथ, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सलोन श्रृंखला लुक सलोन, जिसका स्टोर अब भागलपुर में भी खुल चुका है, में मिल रही है भारी छूट और बम्पर ऑफर। जी हाँ, हमारे स्टोर पर सभी प्रकार की सर्विस पर मिल रही है पूरे 20% की भारी छूट। साथ ही हमारे स्टोर पर मिल रही है कॉम्बो ऑफर की भरमार। जी हाँ, जेंट्स के लिए 650 रूपए में मिलने वाली हेयर कट्स और बॉडी मसाज मात्र 455 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 1900 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1330 रूपए में, 1600 रूपए में मिलने वाला हेयर कट बियर्ड और डिटेन मात्र 1120 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। साथ ही फीमेल के लिए 850 रूपए में मिलने वाला हेयर कट और बॉडी मसाज मात्र 595 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला क्लीन अप और डिटेन मात्र 1650 रूपए में, 2100 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और हेयर कट मात्र 1470 रूपए में, 2500 रूपए में मिलने वाला हेयर स्पा और डिटेन मात्र 1750 रूपए में। मतलब लुक सलोन के साथ अभी रक्षाबंधन होगा सबसे खास, तो अभी हमारे स्टोर पर आए और बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है लुक सलोन, डॉक्टर RP रोड, खलीफा बाग, नियर बिग शॉप, भागलपुर। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के NN इंटरनेशनल कॉलेज में CTET की परीक्षा 20 अगस्त 2023 को दो पालियों में लेने के दौरान समय पर प्रश्न पत्र नहीं देने पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि NN इंटरनेशनल स्कूल सुल्तानगंज में CTET की परीक्षा दो पालियों में ली जा रही है। पहली पाली की परीक्षा में प्रश्न पत्र 9:30 बजे के बदले 10:30 बजे दिया गया और 10 मिनट के बाद प्रश्न पत्र का सील तोड़ने को कहा गया, जबकि परीक्षा समाप्त 12 बजे थी। वहीं 11:40 पर ही प्रश्न पत्र सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं से छीन लिया गया। वहीं NN इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाध्यापक के ऊपर सेंटर मैनेज करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया कि सेंटर को रद्द करते हुए सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं से दोबारा परीक्षा लिया जाए। सबसे पहले तो 9:30 बजे से एग्जाम होने वाला था, वहाँ हुआ नहीं, 10:30 बजे स्टार्ट हुआ। ऊपर से 10 रूम में हमको ले जाया गया और हम कॉपी फाड़े भी नहीं है, कॉपी छीना गया हम लोग से, OMR से छीना गया हम लोग को। हम लोग क्या करें,
क्वेश्चन दिया क्या मुझे पता है? बच्चे छीना गया पता भी नहीं है। क्वेश्चन दिया गया था 9:55 में क्वेश्चन मिला था, जो भी बोला गया था कि आप लोग को 2.5 घंटा दिया जाएगा चाहे क्वेश्चन कभी भी मिले, उसके अनुसार भी हम लोग को क्वेश्चन मिला। जितना देर 2.5 घंटा पहले क्वेश्चन ले लिया गया और उसके बावजूद भी हम लोग मांगते रह गए, गिड़गिड़ाते रह गए, रिक्वेस्ट करते रह गए, लेकिन नहीं मिला हम लोग को क्वेश्चन। और आज हम लोग अगले बार एक नंबर के कारण नहीं हुआ, इस बार हम लोग रात रात भर भर के पढ़ करके उसके बाद आज आए हुए थे और ऐसा हुआ। एक स्टूडेंट के साथ में नहीं हुआ सर, मेरे पास प्रूफ भी है सर। 150 क्वेश्चन लिख के गया है सर, रंग रहा है, अभी भी लड़का अंदर में है, अभी भी लड़का अंदर में लिख रहा है सर। क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? सेंटर मैनेज है, हम यही चाहते हैं कि सेंटर रद्द हो, फिर से परीक्षा दिया, ये सेंटर से रद्द होना चाहिए सर। आप लोग जो है टाइम से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा से तैयारी करते हैं सर। मेरा बीपीएससी का एग्जाम, हम लोग कम से कम एग्जाम अच्छा से दे सके सर। आप लोग मेहनत करके आए हैं, जो टाइम है वो परीक्षा दे रहे थे, और इस जैसा कि वहाँ पर धांधली जैसा मतलब कि माहौल उत्पन्न हो गया, और जैसा कि मतलब कि सेंटर मैनेज हो गया था, हम लोगों को मतलब कि अच्छे प्रतिभागी होते हुए भी हम अच्छी प्रतिभा नहीं दिखा पाए, और हुआ मेरे साथ परेशानी किया। एग्ज़ाम घुसने के लिए हम परीक्षा देने के लिए हम सुबह में घर से चले थे, और सुबह एग्जाम देने चले थे, यहाँ पर बहुत पहले चले थे। क्या मांग करते हैं आप, क्या मांग करते हैं? सेंट्रल सेंटर पे जो भी प्रतिभागी एग्जाम दे रहे थे उसका क्वेश्चन और ये परीक्षा रद्द कर दिया जाए। भागलपुर के खंजरपुर के एसएम कॉलेज रोड में मोमो मियां लव इन एवरी बाइट रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने फीता काट कर किया। वहीं उद्घाटन के दौरान मोमो मियां रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर अनमोल कुमार ने मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद समाज सेवी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मोमो कंपनी की यह संस्था पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर है। इस रेस्टोरेंट में 100 से अधिक व्यंजन का स्वाद शहरवासी चख सकेंगे। यह रेस्टोरेंट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। वहीं रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने बताया कि यह रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट है। भागलपुर वासियों के लिए यह रेस्टोरेंट एक अलग और अनूठा रेस्टोरेंट है, जहां पूरे परिवार के साथ आकर यहां के व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट के प्रबंधक ने यह भी बताया, यहाँ के व्यंजनों में शुद्धता और क्वालिटी का खास ध्यान रखा जाएगा। नाम अनमोल कुमार है। मैंने आज मोमो मियां का फ्रेंचाइजी आउटलेट भागलपुर में पहली बार खुला है, और ये मोमो मियां जो है ये 117 तरह का मोमो तैयार करती है, साथ में चाइनीज आइटम है, सिजलियर है, और बेवरेज है, मॉकटेल है, उसके साथ क्या जो आपका मोमोज है, मोस्टली हम लोग फोकस मोमोज पे करते हैं। ये मोमो मियां जो है ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है, सेम टेस्ट आपको हर एक आउटलेट पे मिलेगा, और इसके साथ ही जो है ये गुवाहाटी आसाम की कंपनी है जहाँ से मोमो प्रोड्यूस होता है, जहाँ से ये उभर के आई है, तो वहाँ का ही सेफ हमारे पास है जो कि इसके लिए बहुत ही काबिल है, और बहुत बेहतरीन टेस्ट के साथ हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ पे हैं। तो आज मोमो मियां का उद्घाटन का अवसर मिला मुझे, ये बहुत अच्छे जगह पे है और हमारे शहरवासियों के लिए एक नया चीज़ होगा। जो लोग भी सैंडिस कंपाउंड आएंगे घूमने, या फिर जो स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत पसंद आएगा, नए लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और कई तरह के मोमोज हमने देखा कि यहाँ पे हैं, तो जिस तरह के मोमोज उनको चाहिए सब तरह के मोमोज यहाँ पर मिलेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इनका जो मोमो मियां का शॉप है अच्छे से चले और बहुत ग्रो करें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खुले। बहुत बहुत बधाई इनको। हाँ, मोमोज तो डेफिनेटली बहुत अच्छा था, हम लोग पुराने टेस्ट वाले आदमी हैं, लेकिन इस तरह का नया टेस्ट मिल करके बहुत सारी जिज्ञासा जगी है, और हमको लगता है कि हम लोग को भी आदत पड़ जाएगा मोमोज खाने का। अगर इस तरह का बढ़िया दुकान खुले, अच्छे से रेस्टोरेंट खुले, तो हमको लगता है भागलपुर शहर आधुनिक और बनता जाएगा, और यहाँ के लोग अच्छे स्वाद का आनंद ले सकेंगे। आज ओपनिंग हुआ मोमो मियां हम लोग का भागलपुर में एसएम कॉलेज रोड में, तो हम लोग के टोटल आउटलेट हैं भागलपुर में 3, और पूरे इंडिया में 200 प्लस है। हम लोगों को क्या कहें, कैसे आएंगे आपके पास, क्यों आएंगे? हम लोग का सर टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही हम लोग के बेटर हैं, आप ट्राई करिए आके, दोनों में आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी।
टेस्ट, क्वालिटी, सर्विस, एम्बिशन सब कुछ सही है सर हम लोग का। आप एक बार आकर ट्राई करिए। शिक्षा विभाग में के पाठक का नाम आते ही शिक्षक सहम जाते हैं, कभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने में लग जाते हैं तो कभी मूलभूत सुविधाएं ठीक है या नहीं उसे दुरुस्त करने में लग जाते हैं। ऐसा है कुछ मामला देखने को मिल रहा है तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ECS के पाठक का डर विश्वविद्यालय के कुलपतियों के ऊपर भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के कुलपति और रजिस्ट्रार का वेतन रोकने के आदेश के बाद तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी सहमे हुए हैं और कल होने वाली पटना में बैठक की तैयारी को लेकर आज जहां विश्वविद्यालय को खोलकर सभी अधिकारियों के साथ कल होने वाली बैठक की तैयारी की जा रही है, वहीं इस दौरान CCDC और अन्य कई अधिकारी और कर्मचारियों की जमकर क्लास कुलपति के द्वारा लगाई गई है। उन्हें पद से हटाने तक की धमकी दी गई है। इस तरह से कुलपति के द्वारा अधिकारियों को और कर्मचारियों को डांट पिलाई गई, उसको लेकर अंदर ही अंदर अधिकारियों और कर्मचारियों में रोष है। वहीं बैठक में नहीं आने वाले प्रिंसिपलों को भी फोन कर क्लास लगाई गई। वहीं CCDC का कहना है कि कॉलेज के द्वारा डाटा सही नहीं दिया गया है। वहीं आज संडे होने के कारण भी दिक्कत हो रही है। दरअसल कुलपति जी को बिहार सरकार के यहाँ सारा प्रस्तुत करना, सारा डाटा प्रस्तुत करना है, इसीलिए उनको चाहिए, अप टू डेट चाहिए और कल ही समय है, इसीलिए सर खपा है। कोई बात नहीं है, खपा होने का कारण है कि सब डाटा सारे कॉलेजों से लेना है, कॉलेज लोग सब चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं और भेज नहीं पा रहे हैं टाइम पर, और हम गलत डाटा प्रस्तुत कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंसेस कॉलेज के साथ मेरा हो जा रहा है, इसीलिए सर खपा है और कोई बात नहीं है। ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए तो हो रहा, वो मेरा गार्जियन है तो वो हो सकते हैं, क्या डर है वो मेरे गार्जियन है, पाठक का डर है सर, जो भी हो लेकिन उनको तो सही करके ही ले जाना है यहाँ से उनको सही करके जाएंगे, सही तो गलत डाटा जाएगा तो सही में कॉलेज की यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। पाठक का डर है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, डर कह रहेंगे वो ऑफिसर्स हैं, वो उनको चाहिए सही, हम लोग सही देने के लिए तैयार हो रहे हैं, यही है। और गुस्सा काफी हुए सर, गुस्सा होते ही हैं, गार्जियन है तो गुस्सा होंगे ही, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है ना, सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि टाइम नहीं है। इधर भी इसके पहले भी सर की मीटिंग थी राजभवन में, तो सर को टाइम कहाँ मिल पाया, आए हैं और इसमें लगे, राजभवन में थे हम भी जो है बिहार सरकार के, हम भी एक मीटिंग में थे। आगमानंद जी महाराज की अध्यक्षता में भागलपुर तिलकामांझी स्थित कृषि भवन में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व ऋषि एवं कृषि विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें स्वागतकर्ता के रूप में डॉक्टर DR सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर DP सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार, गीतकार राजकुमार केलाबे, प्रभात कुमार सिंह, दिलीप शास्त्री एवं आत्मा परिवार मौजूद थे। यह कार्यक्रम भागलपुर कृषि कार्यालय भवन के आत्मा परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के निवेदक के रूप में जागृति युवा समिति ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारत की संस्कृति के मूल तत्व ऋषि एवं कृषि किस प्रकार एक दूसरे से सामंजस्य बनाए और किस प्रकार इसे ऊंचाई पर ले जाया जाए, जिससे जन कल्याण एवं देश कल्याण में इसकी उपयोगिता सार्थक सिद्ध हो। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी आगमानंद जी महाराज ने कहा कि हमें देश की तरक्की चाहिए तो हमें ऋषि और कृषि दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो पाएंगे। साथ उन्होंने कहा कि आज की युवाओं को भी कृषि पर ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही साथ आज के युवाओं को सनातन परंपरा पर और अपनी सभ्यता संस्कृति पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सनातन धर्म में भी ऋषि और कृषि किस प्रकार एक दूसरे के पूरक थे इस विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को हम ही अग्रसर कर सकते हैं, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा। इसके लिए हमें ऋषि और कृषि दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा, तब यह संभव है कि हम पूरे विश्व में विश्वगुरु बन पाए। और दोनों में ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध है कि एक के बिना दूसरे की कल्पना हो ही नहीं सकती है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों की महत्ता है। ऋषि अगर पूज्य हैं तो कृषि करने वाले कृषक भी उतने ही पूज्य हैं, चूँकि कृषि ऐसे ऐसे महान लोगों ने किया है। आरुणि भी कृषि करते थे, धौम्य ऋषि, तभी तो आरुणि को भेजे थे उनकी सेवा में, यानी ऋषि भी कृषि करते थे और कृषि करने वाले में भी ऋषित्व है, वो भी ऋषि तुल्य हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह कार्यक्रम भारत के कोने कोने में, हर क्षेत्र में, गांव-गांव में होना चाहिए और इसी दोनों के बीच में संपूर्ण विश्व का जनमानस है।
इससे परे नहीं है, हटा नहीं है, दोनों की जागृति अनिवार्य है, इसलिए इस दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। कभी विस्तार से और भी मीडिया से ऐसी चर्चाएं होंगी और बातें हम आप करेंगे। आज फिर इस संबंध में हमारे अनेक विद्वान मनीषी सब लोग उपस्थित हैं, वो अपनी ओर से इस पर पर्याप्त विचार रखें। इसी परंपरा है हमारा, उसमें जन कल्याण के लिए, आम जन कल्याण के लिए ऋषियों के द्वारा तरह तरह के साधन बताए जाते हैं, सेवा कार्य किए जाते हैं। और जो हमारे खेती करने वाले किसान हैं, वो किसान भी जो खेती करते हैं तो वो केवल अपने पालन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए काम नहीं करते हैं, उससे तमाम जितने भी समुदाय हैं और जितने भी जीव जंतु हैं सभी का पालन पोषण होता है। तो दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। और ऋषि परंपरा से कृषि परंपरा को इसलिए जोड़ा गया है कि प्रकृति में जितने भी तरह के हमारे जीव जंतु और इसमें जंगल, जमीन, पानी, ये सारी चीज़ें परमात्मा के द्वारा दी गई है और इससे ही जन कल्याण होता है, जिससे सीधा सीधा हमारे किसान जुड़े रहते हैं जो खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। तो कृषि और ऋषि में बहुत समानता है और इसी विषय पर अनेकानेक विद्वान हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर पीके सिंह, केवीके से डॉक्टर विनोद सर और डॉक्टर सुनील कुमार जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर, डॉक्टर ये श्री अनिल कुमार यादव और संपादक दैनिक जागरण, ये तमाम विद्वत जन यहाँ पे इस संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं और वो अपनी चर्चा में बताएंगे विस्तार पूर्वक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 79वीं जयंती है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी बाबत आज भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में भी राजीव गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उनके चित्र पर कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर भागलपुर कांग्रेस दल के कई प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ देखी गई। सभी कांग्रेसियों ने एक दूसरे को गले मिलकर राजीव गांधी के जन्मदिवस की बधाइयां दी। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी कांग्रेस की रीढ़ थे और उन्होंने भारतवर्ष में कई ऐसे काम किए जिन्हें लोग अभी तक याद करते हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी अर्पित होगी जब हम लोग उनके कहे कथनों पर चले। और आपको बता दें, इन्होंने जो देश को, चाहे वो पंचायती राज की व्यवस्था हो पूरे देश में या फिर कंप्यूटराइजेशन का युग हो, जो आज हम लोग सब कंप्यूटर पर काम करते हैं और देश आगे बढ़ रहा है, इन्होंने जो काम किया है उसको हम लोग स्मरण करते हुए हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि आपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक नया आयाम दिया था और नए सिरे से आपने आगे बढ़ाने का काम किया। आज आदरणीय राजीव गांधी का मैंने सभा आग्रह किया है सभी कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के, उनके बताए हुए रास्ते पर उनके साथ चलें और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। राजीव गांधी जी की सोच आधुनिक भारत का था और उनके रास्ते पर चल के हम लोग फिर से भारत को आगे बढ़ाएंगे। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश को बहुत पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और आदरणीय राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री बने। राजभवन और राज्य सरकार के बीच चल रहे टकराव का असर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पर भी दिखने लगा है। कल पटना में राज्य सरकार की बैठक में हिस्सा लेने के पहले, जहां कल शाम से 2 बजे रात तक विश्वविद्यालय में कुलपति के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई, वहीं आज रविवार को भी विश्वविद्यालय की छुट्टी रद्द कर 10 बजे से ही कल होने वाले बैठक की तैयारी को लेकर कुलपति के द्वारा बैठक बुलाई गई है। वहीं 11 बजे तक कुलपति प्रशासनिक भवन नहीं पहुंचे, जिसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में काफी आक्रोश नजर आ रहा था और कर्मचारियों को द्वारा कुल सचिव का घेराव भी 1 घंटे तक किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि हर एक साल बिहुला विसरी पूजा को लेकर विश्वविद्यालय में अवकाश रहता था, लेकिन वो रद्द कर दिया गया। साथ ही रविवार को भी छुट्टी रद्द कर बैठक की जा रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में नाराजगी है। वहीं दबी जुबान से अधिकारी भी कुलपति के फरमान को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं राजभवन और बिहार सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच कुलपति कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, जिससे तिलकामांझी विश्वविद्यालय पर सवाल खड़े हो। कल कुलपति महोदय
आदेश दिए थे कि 10 बजे का मतलब 10 बजे सबको 10 बजे आना है। हम लोग तो यहाँ 10 बजे पहुँच गए, बहुत सारे कर्मचारी भी 10 बजे पहुँच गए। वही हमने रजिस्ट्रार साहब को कहा कि 10 का मतलब 10 होता है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के लिए भी है, ये सिर्फ कर्मचारी और शिक्षक के लिए नहीं है। 10 बजे हम लोग पहुँच गए, रजिस्ट्रार साहब को हमने ये यही बातें कहा, बस यही बात है कि कितना बज गया सर अभी तक? अभी तो 10:30 फोन होने वाला है। भी साहब आए सर क्या? नहीं अभी तक तो कुलपति महोदय नहीं आया, अब लेकिन आने वाले हैं, हम लोग उनका ही वेट कर रहे हैं कि कुलपति महोदय आएंगे तब फिर बैठक। विषहरी पूजा की छुट्टी रद्द कर देगी, संडे के दिन विश्वविद्यालय खुला रहेगा। देखिए विषहरी ये तो प्रत्येक साल विश्वविद्यालय में, क्योंकि ये बिहला विषहरी का पूजा नाथनगर में जो है प्रत्येक साल मनाया जाता है, और इसकी झलक जो है पूरे भारतवर्ष में होती है। उस दिन जो है प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय में छुट्टी घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि काम की अधिकता के कारण कुलपति महोदय को जाना है, कल ये बिहार सरकार के पास अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, इसलिए तो उन्होंने एक विशेष बैठक बुलाई थी जो कि 4 बजे से लगभग 1:30 बजे रात तक चली, और आज जो उसमें कमी रह गई है उसकी पूर्ति के लिए फिर उन्होंने 10 बजे बैठक आहूत की है, और हम लोग उस बैठक के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुलपति महोदय आएंगे, तब हम लोग जो है कि कुलपति महोदय के साथ बैठक करेंगे, इसमें कौन सी खामियां रह गई है, कैसे उसको दूर किया जाए, ताकि हमारे विश्वविद्यालय का नाम जो है राज्य सरकार में एक नंबर पर रहे, और मेरा विश्वविद्यालय राज्य सरकार में एक नंबर पर है। कर्मचारी आक्रोशित हैं काफ़ी, आप सीनियर डीन हैं, क्या कहेंगे? आक्रोश इसलिए है कि हम लोग 2 बजे तक काम किए हैं, और आज संडे है फिर भी 10 बजे बुलाया गया है, इसलिए कि महामहिम और बिहार सरकार के जो हमारे के पाठक साहब हैं तो उनके साथ, बिहार सरकार के साथ कल हम लोग की मीटिंग 12:30 बजे, और जितनी जानकारियाँ मांगी गई सारे जानकारियों को सही सही उपलब्ध कराना और PPT में वहाँ प्रस्तुत करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है, और भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रोशन हो इसलिए हमने सारे रिपोर्ट्स को ठीक किया है, और कुछ जो शेष जो गलतियाँ हैं उसका भी सुधार कर हम लोग तुरंत PPT बनाकर और बिहार सरकार को भेजेंगे, ताकि हम लोगों का प्रेजेंटेशन जो है वो कल बहुत अच्छा रहे, ताकि भागलपुर विश्वविद्यालय की कहीं से कोई शिकायत नहीं हो, और हम लोग बहुत ही हम लोग जो बना रहे हैं वो कहीं से असत्य नहीं है, हम लोग बहुत ही मेहनत करके पेंशनधारी का लिविंग कैशमेंट सारे कार्य बहुत मेहनत से किए हैं, और जो भी है वहाँ हम लोग सच्चाई रखेंगे, चाहे वो विश्वविद्यालय की समस्या हो, कर्मचारी की समस्या हो, शिक्षकों की समस्या हो, और हम लोग के पाठक साहब सामने रखेंगे, उम्मीद है समाधान जरूर निकले। कर्मचारी लेकिन खुश नहीं है सर आज खुलने को लेकर विश्वविद्यालय,